गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग सभी को। बस गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। बहुत कम बच्चे लाइव हो रहे हैं बेटा, क्या बात है? 7 स्टूडेंट्स टाइम पर क्या बहुत लेट हो जाते हैं आप सभी। ओके, कोई नहीं, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने क्या सीखा था? फॉर्मेशन ऑफ सर कन्वेक्स और सर साइन कन्वेंशन और सर कन्वेक्स मिरर की इमेज फॉर्मेशन। हाँ, शाबाश बेटे। अब आज देखते हैं आज का टॉपिक क्या है, और वहीं से हम लोग अपने सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। स्टैंडर्ड, कल आप लोगों ने ये प्रॉब्लम तो कर ली होगी ना बेटे? चारों कर ली ना सभी? फिर कॉपी पर सभी ने ये प्रॉब्लम कर ली है ना? फिर कॉपी पर ये जो क्वेश्चंस हैं। यस गुड बेटे, सभी आपको सूचना मिल गई होगी कल स्कूल कैसे आना। चलो मैं लास्ट में डिस्कस कर लूंगा कैसे आना है। और आज साइन कन्वेंशन हमने पढ़ लिया था। आज का टॉपिक है मिरर फार्मूला, मैग्निफिकेशन। ठीक है, मिरर फार्मूला हो गया, याद रखना बेटा, लिख लो। नंबर एक पर आपके पास कॉपी है वहां पर बेटा? कॉपी लिखा हुआ है? हाँ बेटा, कॉपी पे लिखिए जो आज मुझे पढ़ाना है, मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन। नोट डाउन, जरा नोट करिए, मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन बताना है मुझे। आफ्टर दैट अगला टॉपिक है। अच्छा, अगले टॉपिक में एग्जाम्पल आ गया। अरे एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल 10.1, 10.2, और फिर ये प्रॉब्लम्स। चलिए आज इतना ही रखते हैं, रिफ्रैक्शन कल से रखेंगे, आज इसे खत्म कर देते हैं। तो आइए यहीं पे शुरू कर लेते हैं हम लोग इसे। आइए, सबसे पहले बेटा हम लोगों को सीखना है मिरर फॉर्मूला। आइए, मिरर फॉर्मूला क्या होता है? कल मैंने आपको एक बहुत खास बात बताई थी कि हमारे पास एक होता है ऑब्जेक्ट लेंथ। कल डायग्राम बना के आपको सिखाया था, याद होगा आपको, जिसको हम दिखाते हैं स्मॉल यू से। दूसरी होती इमेज लेंथ, इमेज लेंथ, जिसको हम दिखाते हैं वी से। और बेटा एक होती वो फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, स्मॉल एफ हाँ यस बेटे, यस यस फोकल लेंथ से दिखाते हैं स्मॉल एफ। तो मिरर फार्मूला है क्या? मिरर फार्मूला है, मिरर फार्मूला इज अ रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट लेंथ, इमेज लेंथ एंड फोकल लेंथ। याद रखना, मिरर फार्मूला, मिरर, इसे लिखते नहीं बन रहा है, लिख कर देता हूँ। मिरर फार्मूला, मिरर फॉर्मूला भी आ गया आपके सामने। मिरर फॉर्मूला इज अ रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, इमेज लेंथ एंड ऑब्जेक्ट लेंथ, दैट इज 1 by u + 1 by v, दैट विल बी इक्वल टू 1 by f। दिस इज अ रिलेशन बिटवीन बनना है।
ये है बेटा आपके सामने, देखो मिरर फॉर्मूला मैंने राइट कर दिया है, 1 बाई u प्लस 1 बाई v इक्वल टू 1 बाई f, दिस इज अ रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट लेंथ, इमेज लेंथ एंड फोकल लेंथ, यही है बेटा मिरर फॉर्मूला। अब बात आती है कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, आप इसको ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हो, 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इक्वल टू 1 अपॉन f, दिस इज अ मेजर फॉर्मूला। अब अगला पॉइंट बेटा हमारा आता है मैग्निफिकेशन, ये क्या होता है इसके बारे में चर्चा करते हैं, मैग्निफिकेशन बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m, दिस इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, आर इमेज लेंथ टू द ऑब्जेक्ट लेंथ, ये बेटा आपका होता है मैग्निफिकेशन, ये आपको याद रखना है। मैग्निफिकेशन दिस इज विदाउट साइन कन्वेंशन, ये जो मैंने आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है ये विदाउट साइन कन्वेंशन है, विदाउट साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन हम चित्र के अनुसार लगाते हैं, विदाउट साइन कन्वेंशन है। एंड द फॉर्मूला इज m इक्वल टू एच टू बाई एच वन इक्वल टू वी बाई यू, एच टू क्या है मैंने आपको कल भी बताया था, हाइट ऑफ द इमेज, एच वन क्या है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वी इज इमेज लेंथ, यू इज ऑब्जेक्ट लेंथ, सो दिस इज ऑल अबाउट योर मैग्निफिकेशन। तो हमने दो चीजें सीख लिया है कि हमारा मैग्निफिकेशन क्या होता है और मिरर फॉर्मूला क्या होता है। इसी के बिहाफ पर जो भी हमने सीखा ऑन द बेसिस ऑफ मिरर फॉर्मूला, हियर देयर आर टू एग्जांपल्स, प्रॉब्लम है जो हमें करनी है, वो प्रॉब्लम मैं आपके सामने बेटा लाइव कर रहा हूं, देखिए ये आपके सामने प्रॉब्लम आ चुकी है, एग्जाम्पल नंबर 10.1, ये आपको बेटा करना है, सभी बच्चों को ये करना है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, U क्या होता है, V क्या होता है, H क्या होता है। और एक बात मैंने आपको बताई भी थी, आपको याद होगा कि जैसे हमारा ये माना कि मिरर है, आपको एक बार यहाँ चूंकि उनका यूज होना इसलिए बताना आवश्यक है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है जिसकी दूरी पोल से C के बीच की दूरी ही हम R लेते हैं, ये मैंने आपको कई बार बताया हुआ है, और P और C के ठीक बीच में एक पॉइंट होता है फोकस, पी और एफ के बीच की दूरी को हम स्मॉल एफ दिखाते हैं जिसे हम कहते हैं फोकल लेंथ। तो यहां पर आप देखिए कि पी से एफ, पी टू एफ योर स्मॉल एफ, एफ टू सी फर्दर योर स्मॉल एफ, क्योंकि ये बीच में होता है तो आप कह ले सकते हैं 2f इक्वल टू r, सो एफ इक्वल टू आर बाई टू, वही बात आ गई ना, यानी कि जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा कर दें देन वी गेट फोकल लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर मिरर, हम उस मिरर का फोकल लेंथ को इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। ये मेन पॉइंट थे जो आप मुझे बताने थे। अब आपके सामने देखिए बेटा एक जो है एग्जांपल्स आया हुआ है और हम उम्मीद करते हैं आप जरा इस एग्जांपल को पढ़िए और देखिए आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, फिर मैं आपके सामने इसका एक इमेज बना दूंगा। चलिए समझने का प्रयास करते हैं, शुरू शुरू है। देखिए अ कन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑफ एन ऑटो, अरे घोड़ा जो कन्वेक्स मिरर होता है इसका हम जो इस्तेमाल है, मुनका आवाज नहीं बेटा, मुनका मुनका माइक म्यूट करें, यस मुनिका म्यूट और माइक, चलिए। अ कन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑफ एन ऑटोमोबाइल हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर 3.0 मिलीमीटर, जो कन्वेक्स मिरर होता है इसका हम यूज अब ऑटोमोबाइल में करते हैं, कनकेव मिरर का यूज हम सर्च लाइट में करते हैं, कनकेव मिरर हमारा कन्वर्जिंग मिरर होता है, कन्वेक्स मिरर हमारा डाइवर्जिंग मिरर होता है, इन चीजों की चर्चा हमने पिछले लेक्चर में करी हुई थी। तो कन्वेक्स मिरर जो रियर व्यू मिरर है, आइए हम कन्वेक्स मिरर की बात करते हैं और एक डायग्राम बेटा बनाते हैं, दिस इज द डायग्राम ऑफ कन्वेक्स मिरर।
दिस इज द डायग्राम, दिस इज अवर प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज अवर सी, दिस इज अवर एफ, दिस इज अवर पी। ये डायग्राम मैंने फटाफट बना लिया। अब चूंकि कन्वेक्स मिरर था फटाफट बन गया। क्या है अब कन्वेक्स मिरर इज यूज फॉर रियर व्यू ऑफ एन ऑटोमोबाइल। एक ऑटोमोबाइल में हम इस मिरर का यूज करते हैं जिसकी कर्वेचर 3 मीटर है, यानी कि पी से लेकर सी तक की दूरी 3 मीटर है। तो बेटा जाहिर सी बात है जो आपकी फोकल लेंथ है वो कितनी होगी, आप समझदार हैं। अगर पी टू सी कितनी है 3 मीटर है, ऑब्वियसली जो आपका पी टू एफ है वो 1.5 मीटर होगा और एफ टू सी भी 1.5 मीटर होगा। इफ ए बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, और यहाँ पर एक बस लोकेटेड है, जरा देखिए ये रही आपकी बस, हमने माना ये हमारी बस है ए बी, और ये पी से लेकर बी तक ये दूरी आपकी 5 मीटर है, और आप जानते हैं इस दूरी को हम कहते हैं यू। क्या कहते हैं? यू। क्योंकि इसका मेजरमेंट इस ओर है इसलिए यू का मान होगा -5, क्योंकि आप जानते हैं मेजरमेंट में, सभी बच्चे आप जानते हो मेजरमेंट में इधर की चीजें नेगेटिव होती हैं, इधर की चीजें पॉजिटिव होती हैं। तो यू का मान बेटा देखिए आ गया, सबसे पहले मैंने रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखा 3 मीटर, दूसरा यू लिखा -5 मीटर। कैसे हुआ मैंने बताया, बाय यूजिंग साइन कन्वेंशन, बिकॉज वी आर गोइंग टू मेजर अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट, क्योंकि जो लाइट है ना वो ऐसे जाएगी, ये सीधा यहाँ पर पड़ेगी, यहाँ से टकराएगी, और टकराने के बाद आप भली भांति जानते हैं फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, अगर हम इसको पीछे बढ़ाते हैं तो ये डाइवर्ज होती है। दूसरी किरण आप जब भली भांति जानते हो यहीं से जाएगी, जो कि सीधा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जाएगी, ये देखिए यहाँ पर इंसिडेंट होगी और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पड़ेगा, वहीं से वापस आ जाती है। तो जहां पर मीट कर रही ना, यहाँ पर इस पर्टिकुलर प्लेस पर आपकी छोटी सी इमेज बनती है जो कि मैंने आपको दिखाया है ए और बी। ये तो डायग्राम में आपको समझाने का प्रयास करा, ठीक है। इफ ए बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज। आपको ये सारी चीजें निकालना है, पोजीशन भी निकालना है, नेचर भी निकालना है और साइज भी निकालना है। तो कोई नहीं, आइए देखते हैं। वी हैव टू डिटरमाइन इमेज वी इक्वल टू हाउ मच, हाइट ऑफ द इमेज, हमें हाइट ऑफ द इमेज निकालनी है, साइज है एच डैश इक्वल टू हाउ मच। तो फोकल लेंथ सबसे पहले मैंने फोकल लेंथ एवेलुएट किया, क्योंकि फोकल लेंथ हम फटाफट निकाल सकते हैं। अभी मैंने आपसे कहा था 1.50 निकलेगा। इमेज नेचर क्या होगा, नेचर आप भली भांति जानते हैं बिकॉज इमेज इज फॉर्म जस्ट बिहाइंड द मिरर। तो नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये तो हमारा पता लग गया, यानी कि जो नेचर है वो हमारा पता लग गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट, चूंकि डायग्राम में दिख रहा है। अब हमने साइज निकालना है और पोजीशन, यानी कि वी हैव टू डिटरमाइन वी, पोजीशन का मतलब क्या हो जाता है वी, और साइज का मतलब एच, एच निकालना है हाइट ऑफ द इमेज, यानी चाहे आप एच टू कह दो लेकिन किताब में एच डैश दिखाया गया है। तो आइए इसको निकालते हैं बाय यूजिंग द मिरर फॉर्मूला, 1/v इक्वल टू 1/u प्लस 1/f। आप बेटा यहाँ सारी वैल्यू रख दो, एफ का मान देखो रख दिया हमने 1.5, यू का मान रख दिया मैंने -1/-5, फिर वैल्यू बेटा इसे हमने इवेल्युएट करा, एंड फाइनली वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ v इज 1.15 मीटर, यानी कि हमें ये जो चित्र मैंने आपके सामने दिखाया है, इस प्लेस से लेकर, जो मैं आपके सामने हाईलाइट कर रहा हूँ, इस प्लेस से लेकर इस प्लेस की दूरी 1.5 मीटर होगी। ये हमने कैलकुलेट करके देखो निकाला है। कैलकुलेशन आप करेंगे, नहीं आएगी तो आप मुझसे पूछेंगे कल। अच्छा, अब बेटा हमने एक आंसर तो निकाल लिया जो कि हमारा आंसर था वी। अब पोजीशन आप इमेज आ गया 1.15 मीटर फ्रॉम द पोल, ये आंसर हो गया आपका, यानी कि बिहाइंड द मिरर। दूसरा आपका आता मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है, द फॉर्मूला मैग्निफिकेशन इज एम इक्वल टू, अभी जैसे मैंने बताया था, हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट विल बी इक्वल टू इमेज लेंथ टू द ऑब्जेक्ट लेंथ। आप जानते हैं एच डैश भी आपका यहाँ पर चित्र में, देखिए बेटा ये पहले चित्र देखते हैं, ये आपका एच है, ए बी आपका क्या है एच है बेटा, पॉजिटिव है। ए डैश बी डैश जो मैंने आपको दिखाया है, यानी कि जहां पर इमेज बन रही है, वो भी देखो ऊपर की ओर है, वो भी पॉजिटिव, यानी एच एच डैश दोनों पॉजिटिव हैं।
वी भी पॉजिटिव है लेकिन यू आपका नेगेटिव है क्योंकि ये उल्टा मेजरमेंट में आ रहा है, तो आप वही चीज हमें लिखना है, एच डैश अपान एच इक्वल टू वी अपान माइनस यू, और यहां पर बेटा वैल्यू रख दो। वी का मान कितना है 1.15 और यू कितना है 5.00, कैलकुलेट कर लो एंड यू गॉट योर आंसर। आपको मैग्निफिकेशन मिल गया 0.23, यानी कि द इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट, चूंकि एक से छोटी है ना बेटा, 0.23 आ रही है, एक से छोटी है तो हो जाता है स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। अगर एक है इक्वल आता वन वन तो हो जाता है सेम साइज का, अगर वन से नीचे है डेसिमल में वैल्यू आती है तो होती है स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। द इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट स्मॉलर इन साइज बाई फैक्ट 0.23, दिस इज ऑल अबाउट योर एग्जाम्पल नंबर 10.1। ये थोड़ा सा समझाने का प्रयास था क्योंकि ऐसे सवाल बेटा आप पहली बार देख रहे हो। अब हमारा देखिए आता है दूसरा प्रश्न, दूसरा उदाहरण, सेकेंड एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 10.2। 10.2 की बात करते हैं। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, यानी कि आपको हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया गया है, एच इक्वल टू प्लस 4 इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर, जो हमारा कनकेव मिरर है उसके 25 सेंटीमीटर आगे रखा गया, यानी कि वी हैव टू यू यू इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ऑफ फोकल लेंथ 15 मीटर, फोकल लेंथ आपका 15 मीटर हो गया। क्योंकि कनकेव मिरर है तो यहां पर यू भी यू माइनस का होगा, एफ भी माइनस का होगा। कैसे माइनस का होगा आइए डायग्राम में बेटा इसे समझते हैं। देखिए मैंने आपके सामने एक कनकेव मिरर बना दिया, ये देखिए ये बेटा हमने सी बना दिया, ये मैंने एफ बना दिया, ये हमारा पोल है। ये कहा गया कि एक ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर का 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, कहाँ रखा गया है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब ये थोड़ा सा ध्यान से समझने वाली बातें हैं, क्योंकि तो थोड़ा सा इसे हम फैला देते हैं, सी थोड़ा सा बड़ा मान लो जिसे समझ में आए, थोड़ा सा इसके बीच में एफ कर लीजिए, यहाँ पर आप पी कर लीजिए। अब आप जरा देखिए क्या क्या दिया गया हम देख लेंगे। सबसे पहले आप फोकल लेंथ पर फोकस करिए, कनकेव मिरर आप फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से यहां तक कितना है 15 सेंटीमीटर, फिर भी यहां से ये कितना भी होगा ये भी 15 सेंटीमीटर होगा, तो 15 15 कितना हो जाता है 30, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका 30 सेंटीमीटर पर लाई कर रहा है। लेकिन ये कहा गया है कि जो आपका ऑब्जेक्ट रखा गया वो 25 सेंटीमीटर पर रखा है, यानी कि बिटवीन एफ एंड सी रखा है, यहां पर है ये दिस इज, ठीक है ना, मतलब यहां से लेकर यहां तक की दूरी 25 है, ये आपकी क्या है 25 सेंटीमीटर हो गई। अब जब कोई ऑब्जेक्ट यहां से रेज निकलेगी यहां पे पड़ेगी, मुड़ के कहां से चले जाएगी फोकस से जाएगी, दूसरी पर्टिकुलर रे माना कि पोल पे जा रही है यहां से आएगी तो ऐसे निकल जाएगी, तो जो आपकी इमेज बनेगी वो यहां बनेगी ए डैश बी डैश, ये माना ए है ये बी है, ए डैश बी डैश यहां बनेगी। अब हमको इसी की बेटा कैलकुलेशन करनी, देखिए चित्र आपके सामने आ चुका है। अब इस चित्र में ये नेचर तो देखिए हमें पहले ही पता लग रहा है कि लार्जर देन ऑब्जेक्ट आएगा, यानी कि जो मैग्निफिकेशन इसका आएगा ना वो एम 1 से ज्यादा आएगा, मोर देन 1 आएगा, सी पर बनता तो 1 आता। अब इसी की बेटा कैलकुलेशन करनी है तो हमारे पास क्या क्या चीजें आ गई, देखो हमारे पास मैं डायग्राम हटा रहा हूं, चलिए अभी नहीं हटाते। देखिए हमारे पास क्या आ गया, हाइट 4 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -25 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर, वी हैव टू डिटरमाइन इमेज डिस्टेंस v इक्वल टू हाउ मच एंड इमेज साइज h इक्वल टू हाउ मच, देन फाइंड द नेचर एंड द साइज। देखो बेटा नेचर तो पहले ही आप इवेल्युएट कर सकते हैं, नेचर साफ साफ नजर आ रहा है क्या, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, जैसे कि हमने पिछली क्लास में आपको बताया हुआ है, समझ में आ रहा है ना बेटा नेचर कैसा है इसका, बोलो बेटा हाँ, रियल एंड इन्वर्टेड है। अब कैलकुलेशन कर लो बेटा, वी नो द फॉर्मूला, 1 अपॉन वी इक्वल टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन एफ,
वन अपान बी हमें निकालना है, तो वन अपान बी इक्वल टू वन अपान एफ माइनस वन अपान यू कर दिया, सारी वैल्यूज रख दी, कैलकुलेशन कर ली, और कैलकुलेशन करने के बाद हमें हमारा रिजल्ट मिल ही जाएगा। रही बात नेचर की, तो नेचर आपको कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया। नेचर को इवेल्युएशन का तरीका आपको पता है, सभी बच्चों को नेचर कैसे इवेल्युएट करना है मैंने खूब बार बार आपको इन चीजों को बताया है, ठीक है ना। इस प्रकार से बेटे हमने यहाँ पर दोनों एग्जाम्पल, एग्जाम्पल वन और एग्जाम्पल टू, दोनों हमने एग्जाम्पल कर लिए। और अब आज आपका जो होमवर्क होगा वो दोनों एग्जाम्पल तो ही है, आपको इसको प्रैक्टिस में लेना है जो मैंने सिखाया है, और दोनों एग्जाम्पल को बेटे रे डायग्राम बना के आपको इवेल्युएट करना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यदि आप रे डायग्राम बेटा बना लेते हो तो आपको कैसा भी सवाल दे दिया जाए आप इजीली उसे डिटरमाइन कर लेंगे। तो आज आपका टास्क बेटे ये एग्जाम्पल नंबर 10.1, 10.2 ये दोनों आपको फेयर कॉपी में करना है, साथ ही साथ इसे कंप्लीट करना है। आप देखिए यहाँ पर आपको सारी चीजें निकाल के दिखाई गई हैं, और दो प्रश्न आपको पढ़ने हैं, ठीक है। और देखो प्रश्न कितने मरे मरे से प्रश्न है, प्रश्नों में तो कोई जान ही नहीं है, जरा देखो तो सही। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर हूज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। देख लो फोकल लेंथ निकालनी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है, क्या है कुछ नहीं है, यू नो द फॉर्मूला एफ इक्वल टू आर बाय टू। आर कितना दिया गया, 32 दिया गया है, तो 32 अपॉन 2 यानी कि 16 सेंटीमीटर, ये हो गया। देख लिया आंसर आ गया, बताओ सवाल है या हलवा, हलवे से भी ज्यादा आसान है ना। हाँ तो ये तो था पहले सवाल का आंसर आपके सामने, दूसरा वाला सवाल देखिए भैया। ए कनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 times मैग्निफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 10 centimeter इन फ्रंट ऑफ इट वेयर इस इमेज इज लोकेटेड। आपको इमेज निकालनी है कि इमेज कहाँ लोकेट करेगी। अगर कोई कनकेव मिरर है वो 3 times मैग्निफाइड इमेज आ रही है, यानी कि ये वाला जो सवाल है, ये वाला सवाल इस सवाल से मिलता जुलता है जो भी आपने ये इवेल्युएट करा ऊपर वाला, वैसे भी मैं सलूशन दे चुका हूँ। तो आप सभी बच्चे आज जो आपका होमवर्क है वो यही है कि आप सभी आज दोनों एग्जाम्पल 10.1, 10.2 समझ समझ के रे डायग्राम बना के अपनी फेयर कॉपी में करेंगे, साथ ही साथ ये दोनों प्रश्न जो कि कितने पेज नंबर पर आए हैं, ये 171 नंबर पर जो पेजेस पेज पर प्रश्न है 171 पर, आपको बेटा ये दोनों प्रश्न भी अपनी फेयर कॉपी में करने हैं। तो ये तो था आज का टास्क जो कि आपको पूरा करना है, ठीक है। अब क्योंकि कल से स्कूल ओपन हो रहे हैं आप सभी जानते हो, आपके इंचार्ज आपके ग्रुप में मैसेज कर देंगे कि कल से किन बच्चों को विद्यालय आना है। क्योंकि मेरा लेक्चर तो आज लग चुका है तो अब लगेगा नहीं, अगले सप्ताह ही 2 दिन लगेंगे, तो बेटा आपको यहाँ तक पूरा करना है। जब अगले सप्ताह लेक्चर लगेगा तो मैं बहुत तेजी के साथ क्लास में पढ़ाऊंगा, और साथ ही साथ चूंकि जो आपके साथी दोस्त क्लास में आएंगे वो एक दिन गर्ल्स आएंगी और एक दिन बॉयज आएंगे, लेकिन सिलेबस दोनों दिन रन करेगा, क्योंकि हमारा जो पीरियड आपके यहाँ 2 दिन हमने रखा हुआ है, फ्राइडे एंड थर्सडे। तो थर्सडे और फ्राइडे, नहीं 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 बुधवार बृहस्पतिवार शायद है ना, हाँ वेडनेसडे और थर्सडे है, इन्हीं दोनों दिन हमारे लेक्चर लगेंगे आगे चल के। तो लेकिन हम दोनों लेक्चर को खींचेंगे बेटा, लेकिन लाइव क्लास भी आपको, जो बच्चे नहीं आएंगे उनको लाइव क्लास मिलेगी, और लाइव क्लास में आप टच में रहना है आपको कि आपकी लाइव क्लास कब है, क्योंकि ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि आपकी लाइव क्लास कब है। जब आपको पता होगा कि हाँ हमारी लाइव क्लास इतने बजे से है तो आप उसी समय जुड़ जाइएगा ग्रुप में, और क्लास में उसी समय जुड़ जाइएगा, क्लास आपकी लाइव कर दी जाएगी, ठीक है, जब भी आपका टर्न आएगा। और बाकी आप सभी बच्चे इन काम को फेयर कॉपी में बेटा करके आप अपने ग्रुप पर शेयर करेंगे, और जब भी आप विद्यालय आएंगे
आपका ये सारा काम कंप्लीट होना चाहिए था। पेज नंबर 171 तक जो आपकी पढ़ाई करी गई है वो कंप्लीट होनी चाहिए, वेल अप टू डेट। ध्यान रखिएगा, लापरवाही मत करिएगा। और अभी भी लाइव क्लासेस ही आपके रन करेंगी, बहुत कम बच्चे जुड़े हैं ग्रुप में, लेकिन लाइव क्लास रन करती रहेंगी हमेशा। मेरी क्लास लाइव ही होगी जब आप क्लास में आएंगे, जैसे गर्ल्स का टर्न्स है तो उस समय मैं मोबाइल रख दूंगा, आपकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी, आप देख सकेंगे। उसके बाद पुनः फिर आपकी जो है दूसरा टर्न आएगा तो उस दिन उन बच्चों की रिकॉर्डिंग हो जाएगी। इस प्रकार से आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी जब तक कि गवर्नमेंट के अगले आदेश नहीं आते, ठीक है ना बेटे। अब मैं आपकी क्लास की रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ। बाय बाय एवरीवन।